अगर आपको कंप्यूटर पर बिना देखे नंबर टाइप करना है और फास्ट टाइपिंग करना है तो इसके लिए न्यूमरिक कीपैड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूमरिक कीपैड में कौन सा बटन पर कौन सा फिंगर ले जाया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप कीबोर्ड पर देख पा रहे होंगे ये जो राइट साइड जो नंबर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग न्यूमरिक कीपैड बोलते हैं। एक्चुअल में जब अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं या इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज पर टाइप कर रहे हो तो ये आपका न्यूमरिक कीपैड से नंबर टाइप किया जाता है, ठीक है। तो अब बात रहा कि ये जो 0 से लेके 9 तक का जो नंबर दिखाई दे रहा है ये उसी डिज़ाइन में है जिस डिज़ाइन में आपका कैलकुलेटर रहता है। यानी अगर आप कैलकुलेटर तेज टाइप कर पा रहे हैं तो कीपैड पर भी यानी कीबोर्ड पर भी आप टाइप कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे खास बात कि ये एक न्यूमरिक कीपैड तभी टाइप होगा तभी वर्क करेगा जब ये नमलॉक का बल्ब जलेगा, ठीक है। अगर ये बल्ब जल रहा है ये ऑन है तो आपका नंबर वाला बटन से आप नंबर टाइप कर सकते हैं और ये अगर ऑफ रहा तो ये आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे नमलॉक को प्रेस करेंगे ये बल्ब ऑन होगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं यानी इसे नंबर टाइप कर सकते हैं। तो नंबर टाइप करने के लिए सबसे पहले समझिए कि 1, 2, 3 ये आपका बॉटम रो, बॉटम वाले लाइन में है इसलिए बॉटम रो, ये आपका होम रो और ये वाला टॉप रो, ठीक है। ये तीनों आपका उसी रो में है जिस रो में आपका ASDF, QWER और ZXCV वाला लाइन रहता है, ठीक है। तो ये तीन लाइन में हम लोग फिंगर जो है राइट हैंड का ये तीन फिंगर हम टाइपिंग के लिए रखेंगे जिसमें पहला आपका जो है ये फिंगर, ठीक है, ये आपका कौन सा इंडेक्स फिंगर, ये आपका मिडिल फिंगर, ये आपका रिंग फिंगर, ठीक है। तो ये जो पहला फिंगर है आपका 4 पर रखेंगे, दूसरा फिंगर 5 पर और तीसरा फिंगर 6 पर, यानी 4 5 6 4 5 6, ठीक है। कभी जरूरत पड़ा तो इधर से आप 4 5 6 4 5 6 और यहीं से क्या होगा आप यहां से नीचे आएंगे ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये तीनों फिंगर एक एक करके नीचे आएगा और ये तीनों फिंगर एक एक करके ऊपर जाएगा। तो जैसे ये फिंगर का अगर बात करें तो 4 पे रहता है, नीचे 1 पर आएगा और यहाँ 7 पर जाएगा। ये फिंगर आपका 5 पे रहता है, ये फिंगर आप यहाँ से नीचे 2 पर आएगा और ये फिंगर आपका ऊपर 8 पर जाएगा। ये जो रिंग फिंगर है ये आपका 3 पर आएगा, 6 पर तो रहता ही है और 9 पर जाएगा, ठीक है। और 0 के लिए ये जो थंब है इससे आप 0 टाइप करेंगे, इससे आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा ये तीन फिंगर 4 5 6 पे रहता है, ज़रूरत पर आप 1 पर लेके आएंगे, दूसरा फिंगर 2 पर, तीसरा फिंगर 3 पर, यही फिंगर ऊपर 7 पर जाएगा, 8 पर जाएगा और यहाँ से 9 पर जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको 0 टाइप करना होगा तो उसके लिए आप यहाँ से थंब का यूज करें। और अगर मान लीजिए कि कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं यानी जोड़ने घटाने का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप प्लस टाइप करते हैं ना तो यहाँ पर भी प्लस के लिए आप चाहें तो ये लिटिल फिंगर से आप प्लस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से 4 5 प्लस 7 8, ठीक है, और इक्वल रिजल्ट देने के लिए आप यहाँ से इंटर का यूज कर सकते हैं वो भी लिटिल फिंगर से। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप न्यूमरिक कीपैड में जो नंबर है वो भी आप स्पीड टाइप कर पाएंगे और बिना देखे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो जाता है तो बिना देखे टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए 7 8 5 लिखना तो 7 8 5 है ना, 1 5 9 1 5 9, यानी 8 5 2 7 4 1 9 6 3, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर वाला बटन भी आप बिना देखे टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने न्यूमरिक कीपैड को कैसे टाइप करते हैं ये सीखे होंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।